ये थाना कांधला पुलिस के द्वारा जो अवैध शस्त्र बनाने वाले हैं उनके विरुद्ध अच्छी कार्यवाही करते हुए और इनके द्वारा कल दिनांक 6 जनवरी को मोहल्ला रायजादगान के रहने वाले अमित के खेत से एक व्यक्ति को अवैध रूप से तमंचा बनाते हुए गिरफ्तार किया है और उसके पास से लगभग 10 तमंचे जो बने हुए हैं वो बरामद हुए हैं। साथ ही काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध रूप से तमंचे भी बरामद हुए हैं और जो तमंचा बनाने के उपकरण हैं वो भी काफ़ी मात्रा में वहाँ से बरामद हुए हैं और इसी सब कार्यवाही के चलते अभियुक्त कल्लू सनोफ लाला जोगी को पुलिस हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उससे पूरी इस घटना के बारे में पूछताछ की गई, उसके द्वारा घटना का इकबाल किया गया और पूर्व में भी ये अपराधी कई बार जेल जा चुका है और इस तरह के अवैध शस्त्र बनाने के कई प्रकरणों में पूर्व में थाना कांधला से जेल गया है। इसका बाकी आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है। साथ ही ये अवैध रूप से जो तमंचे बनाता था उनको कहाँ पे ये बिक्री करता था, किसको देता था, उसके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है और इन पूरी बरामदगी के आधार पे थाना कांधला पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो आगे की कार्यवाही है वो भी की जा रही है। सर, क्या और कोई साथी था इसका, अकेले सर? नहीं, अभी इसके और किसी साथी की अभी जानकारी नहीं है। बाकी इससे जानकारी कर रहे हैं कि ये जो तमंचे बनाता था वो कहाँ पे सप्लाई करता था, किसको बेचता था, उसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। सर, जैसे चुनाव आने वाला है, कई चुनाव में तो इसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। अभी देखिए, उसमें पूरा निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर हमारा जो अभियान है वो अवैध जो शस्त्र हैं उनकी उनको पकड़ना और जो अभियुक्त उसको खरीदने बेचने में या बनाने में लगे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना और इसमें अभी अभियुक्त से और पूछताछ की जा रही है और इसके संबंध में और भी जो जानकारी आएगी आपको लोगों को उसको अवगत कराया जाएगा। क्या सर, ये प्रॉपर मोहल्ला रजतगान के रहने वाले हैं कि अभी पहले बाहर से आके रहे हैं? नहीं, अभी तो जो इनका इन्होंने बताया है वो मोहल्ला रजतगान के ही रहने वाले हैं और अपना एड्रेस इनके द्वारा मोहल्ला रजतगान कस्बा और थाना कांधला का बताया गया है और ये परमानेंट मूल रूप से कहाँ के रहने वाले उसकी जानकारी भी की जाएगी। नहीं, ये अमित जो मेंबर है उसके खेत ट्यूबवेल के पास से, अरविंद मेंबर के खेत के पास से ये बरामद हुई है और ये जो गन्ने का खेत है ये अमित जो मोहल्ला रजतगान के रहने वाला उसी का गन्ने का खेत है जहाँ पे फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी।